नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पिछला वाला वीडियो। जल्दी फटाफट हम लोग अपनी बोट पर बैठ कर के आगे चलते हैं चौथे डेस्टिनेशन पर, किया बाय बाय। और जस्ट इसके सामने ही है हॉट स्प्रिंग्स ऑफ सैंटोरिनी। क्या है हॉट स्प्रिंग्स आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ी देर बोट का मज़ा भी ले लेते हैं। सीढ़ी है, सीढ़ी को पानी में उतारा जाएगा। लोग सूटकेस ले लेकर के आए हैं, रेडी हो रहे हैं, क्योंकि उनको एकदम जंप करना है हॉट स्प्रिंग वाटर में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि निया कमेनी, जिसे ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, वो कल्डेरा के बीच में है और बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण 1570 में ये बना था। और इसी जगह के आसपास जो पानी है वो हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा वार्म वाटर मिलता है। इस पानी में है सल्फर, आयरन, मैंगनीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि बीमारियाँ ठीक की जाती हैं, ज़्यादातर उन लोगों की स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ जो कि बूढ़े हो चुके हैं। गर्म पानी आपने सुना होगा ना, ये म्यूकोस्केलेटल जैसे अर्थराइटिस, मसल स्टिफनेस, ये सब और बहुत सारे और भी डर्माटाइटिस, एक्जिमा टाइप की बहुत सारी बीमारियाँ। गाइड ने हमें इंस्ट्रक्शन दे दी कि फटाफट हम लोगों को वहाँ तक स्विम करके जाना है और वापस आ जाना है। हम काउंटिंग करेंगे, कोई मिसिंग हुआ तो भाई सोच लो। सब लोग जाएंगे, ये लोग स्विम करके वहां तक जाना है राहुल, और वहां तक क्या बोलते और भी वार्म लगेगा, ये बोल रहे हैं। लड़कियां धीरे 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 उतर रही हैं, लड़के ने तो ड्राइव ही मार दिया। ओह माय गॉड, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले तो डिस्क्लेमर देना भूल ही गए। अब ऐसा है कि YouTube जो है वो पॉलिसी वायलेशन लगा देता है, तो माय डियर YouTube, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो बनाने से पहले ये जो हमारे ट्रिप टूर्स के जो कंपेनियंस थे उनसे हमने परमिशन ली कि क्या हम आप लोगों की वीडियो बना सकते हैं, और उन्होंने कहा श्योर व्हाई नॉट, तो हमने ये सारी शूटिंग्स की हैं। हम इस वीडियो का फेयर यूज़ करना चाहते हैं बताने के लिए कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर कैसे जाते हैं और यहाँ क्या क्या होता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हमने खुद नहीं की, इसीलिए हमने सबसे परमिशन ली। आई होप दिस सफाइस द टर्म्स एंड पॉलिसीज ऑफ यूट्यूब, थैंक यू सो मच। विदेशियों की एक बात तो माननी पड़ेगी, इनमें बहुत एंथुसियाज़म होता है किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दीज, बिकॉज हम तो कोई भी कपड़ा लेकर नहीं गए थे और ये सारे को देखो, they are all gone very very far. Oh. लास्ट तक जा रहे हैं लोग। हाँ, ये छोटा वाला बोट उतार दिया है जस्ट इन केस किसी को अनकंफर्टेबल हो तो, है ना। बाकी लोग बेचारे स्विमिंग कर रहे हैं और हम लोगों को तो कॉफी पीना है। हमने अच्छे से खा लिया है और बैठे हैं। राम मिलाए जोड़ी। एक बज गया है, सायरन बजा दिया गया है कि सब लोग वापस आ जाओ बोट में, तो धीरे धीरे सारे लोग आ गए हैं। चुपके से सबकी काउंटिंग कर ली जाएगी, कहीं कोई मिसिंग तो है नहीं, और उसके बाद बोट हमारी बढ़ जाएगी। बोट का नाम है थीसर, बस सीढ़ी वापस आ गई है, पैकिंग हो गया है। सोच रहे हैं हम कि अगर खुद से किया होता ये एक्टिविटी तो और भी कितना मज़ा होता। काश हमने पहले से ही पता कर लिया होता कि ये सब कुछ भी होने वाला है, मगर अब आपको तो पता है। हमारे बुढ़ऊ जी सुत रहे हैं। तो क्या तुम्हारे चौक में लगेगा नहीं क्या? आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। फटाफट रैप करते हैं और चलते हैं अपने पांचवें डेस्टिनेशन की तरफ। तो क्या होगा वो जगह और कितनी दूर होगा वो निया कमेनी से, चलिए फटाफट देखते हैं। थिरासिया नाम का ये विलेज है जिसमें 300 सिटीजन्स रहते हैं ऑन पेपर, और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं इस पर से चढ़ के जाना है अगर तो टोटल 25 मिनट लगेगा। 175 लॉन्ग सीढ़ियाँ हैं, इसके अलावा लोग हाइकिंग करने के लिए इस पहाड़ पे भी जाते हैं। और वैसे नीचे साइड से अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह है, लोग यहाँ पर भी स्विमिंग करते हैं, रेस्टोरेंट भी जाते हैं। और अगर हम इस साइड से देखें, राउंड मार के जब हम जाएंगे थिरासिया के साइड से, तो हमको एक दूसरा साइड ऑफ द विलेज दिखाई देगा जहाँ पर कार्स वगैरह मिलती हैं जो चला चला करके ऊपर टॉप में जाएंगी,
इस साइड से कार वगैरह नहीं है क्योंकि ये टूर्स ट्रैवल्स वगैरह है, तो लोग जनरली इधर से जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, विलेज है, बहुत बड़ा विलेज है, तो इसलिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बोला उसने है, सब कुछ है, स्कूल वगैरह सब कुछ है। तो देर किस बात की, मिलते हैं आपसे थिरासिया विलेज में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टाटा।